नमस्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL304। हम माइक्रोवेव मेजरमेंट्स इस लेक्चर में शुरू करेंगे। ये यूनिट है माइक्रोवेव मेजरमेंट्स। इसमें हम डिफरेंट माइक्रोवेव पैरामीटर्स को कैसे मेज़र किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग माइक्रोवेव पैरामीटर्स जैसे पावर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, VSWR, नॉइज़ फिगर, ये सब अलग अलग माइक्रोवेव के पैरामीटर्स हैं। माइक्रोवेव डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इन्हें मेज़र करने के लिए हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बता दूं आपको कि माइक्रोवेव सिग्नल के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेज़र करने के ब्रॉडली दो तरीके हमारे पास हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो पहला डायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, हम इसमें डायरेक्टली माइक्रोवेव का जो पैरामीटर है उसे मेज़र कर पाते हैं। जैसे VSWR मेज़र करना है तो VSWR मीटर आता है, आप उसे लगाएं, डायरेक्ट आपको रीडिंग मिल जाएगी। यदि आपको मेज़र करना है, जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी आता है, नॉइज़ फिगर मेज़र करना है तो उसके अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सिंपली लगाएं जस्ट इंस्ट्रूमेंट को और आप आउटपुट रीडिंग देखें, वैल्यू देखें। ये है डायरेक्ट मेथड। ये टाइम इसमें कम लगता है मेज़रमेंट में, और ये महंगा भी बहुत होता है क्योंकि डिवाइसेस भी बहुत महंगे महंगे आते हैं जो भी आपको लगाने हैं मेज़र करने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड का ये है कि ये लो कॉस्ट होता है और एफिशिएंसी भी लो होती है, मतलब एक्यूरेसी लो होती है। इसमें जो सिग्नल है जो आपको मेज़र करना है, जैसे सपोज़ माइक्रोवेव सिग्नल है हमारे पास, इसकी हमें पावर मेज़र करनी है, तो सबसे पहले उस माइक्रोवेव सिग्नल को मॉड्यूलेट करवाना होगा स्क्वायर वेव सिग्नल के साथ। और स्क्वायर वेव जो आप काम में लेंगे वो उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 1 kHz। फिर उसके बाद आगे का जो सर्किट है उसमें आप इनपुट दें, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट आपको मिलेगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये जो है एफिशिएंसी, सॉरी एक्यूरेसी इसकी कम है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है इनडायरेक्ट, लेकिन लो कॉस्टली यूज़ किया भी जाता है। जैसे एकेडमिक लैब्स हैं, यहाँ पर टाइम का कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, जस्ट सिखाने के हिसाब से चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट मेथड से माइक्रोवेव मेज़रमेंट सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको आउटपुट देखकर और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट करना है फील्ड में, तो वहाँ आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब माइक्रोवेव पावर मेज़रमेंट के चार तरीके हैं हमारे पास। माइक्रोवेव पावर को मेज़र करने की हम बात कर रहे हैं, हम चार तरीके हमारे पास हैं, कैलोरीमेट्रिक मेथड, बोलोमीटर मेथड, थर्मोकपल मेथड, डायोड डिटेक्टर मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड है हाई पावर के लिए, बोलोमीटर मेथड है मीडियम पावर के लिए, थर्मोकपल मेथड है लो पावर के लिए, और फिर है हमारे पास डायोड डिटेक्टर मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड है हाई पावर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाने वाला मेथड। हाई पावर मतलब 10 मिली वॉट से लेकर 10 वॉट तक की पावर।
ये माइक्रोवेव एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद जो हीट है उसको लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने के काम में लिया जाता है और मेज़र किया जाता है कि कितनी टेम्परेचर में राइज हुआ, उसके अकॉर्डिंग पावर नहीं थी। इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हम पहले डायग्राम इसका दिखाएं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ इसका डायग्राम हम देख लें। ये देखें आप, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास है दो आर्म्स हैं। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। यहाँ दो आर्म्स हैं, दोनों पे रजिस्टर्स लगे हैं, सेंसिंग रजिस्टर, कंपैरिजन रजिस्टर। सेंसिंग रजिस्टर को इनपुट दिया जाता है और वो कंपैरिजन रजिस्टर तक पहुँचता है उसकी हीट थ्रू हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर जो है यहाँ पर आप फ्लो देख रहे हैं, एरो से लिक्विड का फ्लो दिखाया गया है। लिक्विड जो यहाँ काम में लिया जाता है वो अमोनिया या ऑयल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे माइक्रोवेव पावर इनपुट पर जाएगी सेंसिंग रजिस्टर के इनपुट पर, तो ये हीट अप होके अपनी वैल्यू चेंज करेगा। इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में था वो इम्बैलेंस कंडीशन में आएगा। इम्बैलेंस कंडीशन में आने के कारण वो रीडिंग जो है वो डिफरेंस की वाट मीटर पर नज़र आ जाएगी। और ये जो हीट एक्सचेंजर है, ये हीट अप जो यहाँ हीट अप हुआ है, ये रजिस्टर, ये हीट जाएगी कंपैरिजन रजिस्टर को, ठीक है। और ये सिग्नल फिर एम्पलीफाई होके देन डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक वर्किंग का। इसकी थोड़े हम यदि थियोरेटिकल पार्ट को देखें कंस्ट्रक्शन वर्किंग को, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैलोरीमीटर वाट मीटर टेक्निक भी कहलाती है ये। इसमें दो आइडेंटिकल टेम्परेचर सेंसिटिव आर्म्स होती हैं और हाई गेन एम्पलीफायर होता है। ऑयल या अमोनिया यूज़ किया जाता है जो कि लोड की तरह काम करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट्स। माइक्रोवेव पावर इंसिडेंट होती है ऑन इनपुट रजिस्टर। सेंसिंग रजिस्टर जो था वो इनपुट रजिस्टर की तरह काम करता है, उस पर माइक्रोवेव पावर इंसिडेंट होती है और उसका रेजिस्टेंस चेंज करती है। इससे ब्रिज इम्बैलेंस होता है और इम्बैलेंस सिग्नल एम्पलीफाई होता है और कंपैरिजन रजिस्टर को अप्लाई किया जाता है। ये अमाउंट ऑफ पावर इज रिकॉर्डेड एंड यूज, ये जो अमाउंट है पावर का रिकॉर्ड किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है टू मेजर इंसिडेंट माइक्रोवेव पावर थ्रू कैलिब्रेशन ऑफ इंडिकेटिंग मीटर, ठीक है। फिर इंडिकेटिंग मीटर उसको कैलिब्रेट करके और मेजर करने के काम में लिया जाता है। दिस अमाउंट ऑफ पावर, इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। ब्रिज इम्बैलेंस कंडीशन में आया, इम्बैलेंस वाला जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है और कंपैरिजन रजिस्टर पर अप्लाई किया जाता है। ये पावर जो कंपैरिजन रजिस्टर पर हमने अप्लाई की है वो पावर रिकॉर्ड की जाती है और इंसिडेंट माइक्रोवेव पावर कितनी रही होगी इसका अंदाज़ा लगाया जाता है इंडिकेटिंग मीटर को कैलिब्रेट करने के बाद, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि लो एक्यूरेसी देता है, एक्यूरेट नहीं होता है ये, मतलब होता है लेकिन बहुत कम, और लो पावर मेज़रमेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है, क्योंकि लो पावर होगी तो हीट अप इतना ज़्यादा नहीं होगा कि बहुत अच्छे से सेंस कर पाएँ सेंसर्स, और यदि हीटिंग नहीं होगी तो फिर मेज़रमेंट भी उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसे हाई पावर मेज़रमेंट में काम में लिया जाता है और इसकी एक्यूरेसी लो होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा जहाँ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसे काम में नहीं लिया जाता।
ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में गिवन है बोलोमीटर मेथड। बोलोमीटर मेथड हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।